आप देख रहे हैं पार्थसर समाचार सत्य परमो धर्म। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाने पर राकापा आक्रामक हो गई है। गुरुवार को गांधी चौक में तरबूज फोड़कर परमवीर की फोटो को चप्पलें मारी। इस दौरान राकापाइयों ने परमवीर की जांच करने की मांग की। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार के कार्यालय के कार्यों की जांच पड़ताल करने की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करने के चलते गृह मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए। यदि सिंह को कुछ शिकायतें थी तो उन्हें पद पर रहते समय करनी चाहिए थी, लेकिन तबादला करने के कारण वो गृह मंत्री और राज्य की बदनामी कर रहे हैं। उनके इस कृत्य पर कार्यवाही करें, साथ ही उनकी संपूर्ण संपत्ति की एसीबी द्वारा जांच करने की मांग की। आंदोलन में राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड़, ज्येष्ठ नेत्या शोभाताई पोठ दुखे, हीराचंद बोरकुटे, मुनाज शेख, महिला जिलाध्यक्ष बेबीताई उइके, शहर महिला अध्यक्ष ज्योति रंगारी, नगर सेवक दीपक जायसवाल, मंगला आखरे, सेवादल जिलाध्यक्ष महादेवराव पिदुरकर, विलास नेरकर, रमेश माखेजा, राजेंद्र वरघणे, बंडूजी डाकरे, डीके आरेकर, सुनील दहेगावकर, सुनील काले, प्रियदर्शन इंगले, डॉक्टर देव कन्नाके, वंदना आवडे, दिलीप पिटलवार, डॉक्टर आनंद अडबाले और राकापा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।